अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले व्हाट्सएप ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बदलाव किए थे, और वो बदलाव ये था कि आप लोगों जितने भी व्हाट्सएप यूजर हैं उन सभी को अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फेसबुक के साथ शेयर करना है, और फेसबुक उसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके साथ शेयर करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो अकाउंट है व्हाट्सएप अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में इसका काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट किए गए, उसके बाद व्हाट्सएप ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव किया, उसके बाद आप सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। तो इसी तरह कुछ अपडेट इंस्टाग्राम ने भी लाया है, उसने भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बदलाव किए हैं। तो जो इंस्टाग्राम ने अभी अपडेट लाया है इसे क्या आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इसी को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि इंस्टाग्राम ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए, जिसे जितने भी इंस्टाग्राम यूजर है उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा या कहिए कि बंद हो जाएगा। तो वो अपडेट क्या है, एक्चुअल वो अपडेट है कि इंस्टाग्राम आप लोगों से आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। अब वो डेट ऑफ बर्थ क्यों मांग रहा है इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनी है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के कारण उससे बहुत सी बड़ी कंपनियों के भी ऐड आते होंगे। तो वो ऐड भी कई तरीके के होते होंगे, कुछ माइनर कैटेगरी के ऐड होते होंगे जो बिलो 18 में आते हैं, और कुछ एडल्ट कैटेगरी के होते होंगे जो अब वो 18 प्लस कैटेगरी के होते होंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम है उसे एक बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक एज के लोग इसे यूज करते हैं। मान लो अगर कोई 8 साल का लड़का है वो इंस्टाग्राम चला रहा है, और उसके सामने और उसके मेन डिस्प्ले पेज पे कुछ ऐसी ऐड देखने को मिल गई जो उसे नहीं देखना चाहिए या फिर उसे उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर वो उस पर क्लिक करता है या फिर उस ऐड को ब्राउज करता है तो उसका जो उससे उसका माइंड डाइवर्ट होने की चांसेस रहते हैं, या फिर उसका जो एनवायरमेंट है या फिर उसका जो सेफ्टी जोन है वो कहिए कि एक खतरे में पड़ सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और वो ऐड को डिफ्रेंशिएट कर सके कि किस ऐड को कहाँ पे शो करना चाहिए, ठीक है, इसी को वो रिजॉल्व कर सके और ऐड को डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन से ऐड को कहाँ पे शो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कि 18 प्लस कैटेगरी वाले ऐड को माइनर कैटेगरी में शो कर दिया जाए। अगर वो ऐसा हो जाता है तो इंस्टाग्राम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए इंस्टाग्राम आप लोगों से आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है ताकि वो इसे रिजॉल्व कर सके। और इसके अलावा इसमें और कोई कुछ भी नहीं है, इसमें आपकी प्राइवेसी जैसी कोई समस्या नहीं है, तो आप इजीली से आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसे इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये जो अपडेट है सिर्फ जो माइनर कैटेगरी है उन्हें इस तरह के ऐप से बचाना ही इनका जो मेन मोटो है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।